नमस्ते फ्रेंड्स, जीएसटी रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश उज्जैनकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एड्रेस कैसे चेंज करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कैसे करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन कर लेंगे और लॉग इन करने के बाद यहाँ सर्विसेज वाले टैब पर आएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के अंदर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ हमारी डिटेल्स दिखाई देगी। अब हमें यहाँ एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ हमारा पुराना एड्रेस दिखाई देगा जो कि हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे आना होगा और यहाँ एक एडिट वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ हमारा नया एड्रेस एंटर कर सकते हैं, उसे एंटर कर लेंगे। अब यहाँ नया एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ मैप पर हमें हमारा लोकेशन सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम ये जो पॉइंटर है, जहाँ भी हमारा लोकेशन है वहाँ इसे पॉइंट कर देंगे। अगर इस मैप पर आपका लोकेशन नहीं दिख रहा है तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर आप आपका लोकेशन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका लोकेशन यहाँ दिखाई देगा, तो जहाँ आपका लोकेशन दिखाई देगा वहाँ उस पॉइंटर को पॉइंट करना है। ऐसे यहाँ एंटर करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप यहाँ पॉइंट हो जाएगा, इसे हमें कंफर्म कर लेना होगा। अब मैप पर लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आना है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम ये जो डॉक्यूमेंट हमने पहले अपलोड किया था इसे डिलीट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ प्रीमाइसेस का पोजीशन सिलेक्ट करना है कि जिस प्रीमाइसेस में हमारा बिजनेस का ऑफिस है, बिजनेस है, वो रेंटेड है, ओन है या लीज पे है, जैसे भी है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ ये प्रीमाइसेस ओन है तो हम यहाँ ओन पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा। तो जैसे यहाँ बताया गया है, इलेक्ट्रिक बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक बिल अपलोड करेंगे। यहाँ से फाइल चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उसे भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ रीजन लिखना होगा कि आप एड्रेस क्यों चेंज करना चाहते हैं और यहाँ किस डेट से आपको अमेंडमेंट करना है, वो डेट यहाँ एंटर करनी होगी। इसे हम यहाँ एंटर कर लें। अब उसके बाद ये सब डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसे हमें वेरीफाई करना होगा तो यहाँ वेरिफिकेशन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम डिजिटल सिग्नेचर से भी वेरीफाई कर सकते हैं और ईवीसी से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ ईवीसी से वेरीफाई कर लेंगे। अब ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ ये अमेंडमेंट का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब कुछ देर में इसे वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी जिसके ऊपर एआईआर नंबर होगा, जिससे हम
इसे इसका स्टेटस हम चेक कर सकेंगे। तो यदि प्रोसेस जीएसटी के अंदर एड्रेस चेंज का एप्लीकेशन कैसे करें, आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।